नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया, कन्या महाविद्यालय जसवंत गढ़गेज यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत रीतिकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें कवि घनानंद जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला चल रही है। प्यारे विद्यार्थियों, विगत वीडियो में हमने प्रश्न पढ़ा था, घनानंद जी स्वच्छंद काव्यधारा के अग्रणी कवि हैं, इस कथन को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। या फिर यह प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, घनानंद जी ने प्रचलित काव्य प्रणाली की लीक छोड़ करके काव्य रचना की, यानी जो घनानंद जी के समय जो काव्य रचना लिखने की जो परंपरा थी उसको उन्होंने छोड़ करके काव्य रचना की, यह कथन कहाँ तक सत्य है, इस बात की समीक्षा कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न यही जो प्रश्न है इसको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, 2013 में आया हुआ है, घनानंद जी को रीतिमुक्त कवि क्यों कहा जाता है, इसकी बात की समीक्षा कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, हमने विगत वीडियो में इसकी भूमिका को पढ़ा था और इसके साथ साथ जो है इसमें प्यारे विद्यार्थियों भूमिका को पढ़ करके हमने पढ़ा था स्वच्छंद जो रीतिमुक्त काव्यधारा एवं घनानंद जी है इससे संबंधित हमने विशेषता पढ़ा था और इसमें विशेषता में सबसे पहली विशेषता हमने देखी थी प्यारे विद्यार्थियों, वो थी प्रेम और जो श्रृंगार की अनुभूति है उससे संबंधित हमने प्रश्न इसका विशेषता को पढ़ा और उदाहरण को देखा। अब हम देखते हैं दूसरी विशेषता, पहली विशेषता हमने पढ़ी प्रेम व श्रृंगार की अनुभूति, तो इन्होंने बताया था अभी घनानंद जी ने कि प्रेम कैसा होना चाहिए, प्रेम में जो हृदयगत भाव होते हैं हृदयगत भावों को वो श्रेष्ठ मानते हैं, वे बुद्धि के दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बुद्धि के नेत्रों से प्रेम को नहीं देखे, प्रेम को न देखकर हृदय रूपी या हृदय के नेत्रों से प्रेम का स्वरूप देखें, इस बात की वो हमने जिक्र किया था, पढ़ा था। अगली विशेषता देखिए, हृदय हार्दिक जो अनुभूति भावधारा यानी हृदयगत जिसको हम कहते हैं हृदयगत या फिर जिसको हम कहते हैं हार्दिक या हृदयगत अनुभूतिमय भावधारा, अनुभूतिमय भावधारा। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हम देखते हैं नाम से स्पष्ट हो जाएगा कि हृदय की अनुभूति से युक्त जो भावधारा है काव्य की कवि की वो, तो घनानंद जी ऐसे कवि थे प्यारे विद्यार्थियों जो प्रेम की हार्दिक अनुभूतियों को अपने काव्य में व्यक्त करना चाहते, क्योंकि स्वयं उन्होंने प्रेम किया था, सुजान से प्रेम करने के कारण उनके हृदय में प्रेम का जो भाव था वो स्वतः ही विद्यमान था, तो इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों हम कह सकते हैं कि घनानंद जी ऐसे कवि थे जो प्रेम की जो हार्दिक जो अनुभूतियाँ होती है उनको उन्होंने स्वयं धारण किया था, इसीलिए उनके काव्य में अनुभूतियाँ उजागर होती है, दिखाई देती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो वही जो हृदय की अनुभूतियाँ होती है वे ही कवि की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियाँ होती है या सर्वश्रेष्ठ जो है रचना हम कह सकते हैं, ऐसा घनानंद जी मानते हैं कि जो हृदय की जो भोगी हुई एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो अनुभूतियाँ हैं उसको काव्य में उतारना सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है, ऐसा घनानंद जी मानते थे। उनकी दृष्टि में जो बौद्धिक व्यायाम है यानी बुद्धि से प्रेम की रचना कर देना, श्रृंगार की कोई काव्य रचना लिख देना, वैसी कविता हम घनानंद जी कहते थे कि वो धोखा है, यानी बौद्धिक व्यायाम कविता के साथ एक तरह से धोखा है, क्योंकि उसमें वासना का स्वरूप दिखाई देता है, वासना का जो कह सकते हैं नग्न स्वरूप है वो दिखाई देता है, और इसीलिए उन्होंने एक पद लिखा है कि प्रेम सदा अति ऊंचो लहे,
प्रेम सदा अति ऊंचो लहे, सु कहे इही भांति की बात छकी, सु कहे इही भांति की बात छके, सुनी के सबके मन लालच दोरे, सुनी के सबके मन में, सुन के सबके मन मन में, मन में नहीं मन लालच दोरे, पे बोरे लखे सब बुद्धि चकी, पे बोरे सबे पे बोरे लखे, पे बोरे लखे हैं, लखे सब बुद्धि चकी, बुद्धि चकी। तो इनमें प्यारे विद्यार्थियों हृदयगत अनुभूति को उन्होंने महत्वपूर्ण माना है, और यहाँ पर प्रेम सदैव उच्च कोटि का उसी का होता है, या प्रेम सदा अति ऊंचो लहे, यानी प्रेम का मार्ग बड़ा ऊंचा है, या प्रेम बहुत उच्च कोटि का तब होता है। सु कहे इही भांति की बात छकी, यानी जो सब जो कवि सही प्रकार से अपनी बात को कह सके, जो प्रेम का जो उच्च स्वरूप होता है उससे वो छक करके, यानी मस्ती से भरी हुई प्रेम के भाव को वो प्रकट कर दे। सुनी के सबके, यानी अपने काव्य के माध्यम से प्रेम का जो एक नशा, या हम कह सकते हैं कि एक मद है, मद से युक्त तृप्त होकर के जो भाव प्रेम के भाव वो प्रकट कर दे। सुनी के सबके मन लालच दौरे, जो उनकी कोई कविता है उसको सुन करके उसके मन में प्रेम का भाव दौड़ जाए। सुनी के सबके मन लालच दौड़े, यानी उस प्रेम के स्वरूप को प्राप्त करने का या लालच है वो मन में दौड़े या आए। पे बोरे लखे सब बुद्धि चकी, लेकिन जो विद्वान लोग हैं वे उनको पे बोरे मने उसको देख करके, लखे मने देख करके, बोरे मने बावले हो जाते हैं, उनकी भी बुद्धि चकित हो जाती है। यानी घनानंद जी अपने कविता की प्रशंसा कर रहे हैं कि मेरी कविता को पढ़ करके जो है जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है, और जो साधारण जो लोग हैं जो प्रेम के अनुभूति जिनको हुई है ऐसे लोग उनको उनके मन में लालच का भाव दौड़ता है। और जग की कविताएं के धोखे रहे, एक आगे और पंक्तियां हैं वो मैं लिख नहीं रहा हूँ। जग की कविताएं के धोखे रहे हवा प्रवीणन की मति जाति चकी, यानी जग की कविता मैंने रीतिकाल के जो अन्य कवि हैं उनकी कविताओं के धोखे में नहीं रही, यानी उन्होंने जो प्रेम का वर्णन किया है वो बुद्धि के बल पर किया है, अनुभूति जन ने नहीं किया है। तो बुद्धि के बल पर कविता लिखी, इसलिए उनकी कविता के धोखे में नहीं रहने, उनकी कविता में नहीं पढ़े। और हव्या प्रवीणन की मति जाति जगी, यानी यहाँ पर यानी गणान जी स्वयं की कविता के लिए अपने कवित के लिए कहते हैं कि प्रवीणन यानी विद्वान जो लोग हैं उनकी बुद्धि भी जाति चकी, मति जाति जकी, यानी उनकी भी जो मति है बुद्धि है वो उनकी कविता को समझने के लिए चकरा जाती है, या उनकी बुद्धि भी बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भी उनके पदों को देख करके उनको समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि समुझे कविता घन आनंद की, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं कि समुझे कविता घन आनंद की। अब बताया घनानंद जी ने कि मेरी कविता कौन समझ सकता है, समुझे कविता घन आनंद की, ये आँखिन नेह की, ये आँखिन ये आँखिन नेह की पीर तकी, नेह की पीर तकी,
प्यारे विद्यार्थियों, इसमें गणानंद जी साफ साफ कह रहे हैं कि मेरी कविता को वही समझ सकता है, समुझे कविता घनानंद की, यानी घनानंद की कविता को वही समझ सकता है जो हृदय ये आँखी न मने हृदय की आँखों से नेह की पीर तकी, यानी प्रेम की पीड़ा को जिसने सहन कर लिया हो, प्रेम की पीड़ा से जो छक गया हो, मस्ती जिसने प्राप्त कर ली हो, प्रेम की पीड़ा को जिसने भोगा हो, ऐसे हृदय की आँखों, जिसके पास ऐसी हृदय की आँखें हैं जो प्रेम की पीड़ा को समझता हो, वहीं घनानंद की कविता को समझ सकता है। तो घनानंद की कविता को समझने के लिए हृदय में प्रेम की पीड़ा को समझने का या प्रेम की पीड़ा को भोगा हुआ अनुभव होना चाहिए, वहीं मेरी कविता को समझ सकता है। तो इस प्रकार से उन्होंने घनानंद जी ने अपने पदों में हृदयगत प्रेम को सबसे महत्वपूर्ण माना है, और अन्य कवियों की उन्होंने एक तरह से उनकी निंदा कह सकते हैं की है। और एक अन्य सवय में भी घनानंद जी ने बुद्धि नेत्र से प्रेम का व्यवहार करने वालों पर आक्षेप किया है, जो केवल बुद्धि के नेत्रों से ही प्रेम के व्यवहार को देखते हैं या प्रेम के व्यापार को देखते हैं, प्रेम की क्रिया को देखते हैं, वो कभी भी प्रेम का सही ढंग से वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्धि के आधार पर प्रेम का वर्णन करना पानी को मथने के समान, घनानंद जी ने बताया, जैसे पानी को मथने से घी नहीं निकल सकता, ठीक उसी प्रकार से बुद्धि के बल पर जो प्रेम का वर्णन किया जाता है उसमें जो प्रेम का स्वाद आना चाहिए वो नहीं आता, क्योंकि जो हृदयगत प्रेम होता है उसी से ही प्रेम का अनुभव होता है या प्रेम का स्वाद या आस्वाद किया जा सकता है। और जो व्यक्ति ऐसा करता है वह प्रेम की वास्तविकता से अज्ञात है, यानी जो केवल बुद्धि के नेत्रों से प्रेम की व्यापार करता है या क्रिया करता है वह वास्तव में ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार का भाव रखता है, ऐसा करता है, वह प्रेम की वास्तविकता से अज्ञात रहता है, उससे अपरिचित रहता है, वह प्रेम की वास्तविकता को नहीं जान सकता। तो हृदय का जड़ और प्रेम का थोता निर्वाह करता है, यानी एक कह सकते हैं कि जो बुद्धि के बल पर प्रेम करता है वह उसका जो प्रेम है वह कच्चा है, वास्तविक नहीं है। जो हृदयगत प्रेम होता है वही सात्विक होता है, वही सच्चा होता है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, बिहारी घनानंद जी ने हृदयगत अनुभूति को काव्य में स्थान दिया है, जो हृदय में भाव आते हैं, क्योंकि प्रेम को उन्होंने स्वतः व्यक्तिगत प्रेम को उन्होंने किया, उसी से जो हार्दिक अनुभूति प्रेम की हुई उन्हीं को उन्होंने अपने काव्य में रच डाला। तो ये इसलिए वो अपने काव्य में प्रेम की जो वर्णन है, प्रेम का जो वर्णन है वो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए उनका जो काव्य है वो प्रेम की पीड़ा का काव्य है। अगली विशेषता देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि वेदना विषाद की तीव्रता, वेदना व विषाद की तीव्रता। स्वच्छंद काव्यधारा के कवि घनानंद जी के काव्य की और विशेषताओं की बात करें, यानी रीतिमुक्त काव्यधारा और घनानंद जी की बात करें विशेषताओं में, तो उनके काव्य में वेदना है और विषाद की तीव्रता है। विषाद का मतलब उदासी, गम, दुख, वेदना, पीड़ा, पीड़ा की तीव्रता है, क्योंकि उन्होंने स्वतः किया इसलिए पीड़ा को भोगा, सुजान से प्रेम किया, जब सुजान ने मना कर दिया तो उन्होंने उस वेदना को देखा, सहन किया। इसीलिए घनानंद जी के काव्य में एक तरह से विवरणात्मक प्रेम है, घनानंद जी के काव्य में घनानंद जी के काव्य में विवरणात्मक प्रेम का चित्रण किया गया है। देखिए उनका जो विवरण है वो वस्तु, जहां वस्तु सत्य है वहीं वह भाव सत्य भी है, क्योंकि जो भावनाएं प्रेम के पीड़ा के संबंध में होती है वह उन्होंने अनुभव की थी, इसलिए भाव वस्तु सत्य भी है, वहाँ भाव सत्य भी है। और उन्होंने इस वर्णन को एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनका जो प्रेम है वो बहुत अधिक व्यक्तिगत है और भावना प्रधान है। उनका जो प्रेम वर्णन है वो क्या है,
बहुत अधिक तक व्यक्तिगत है, वह भाव प्रधान है। प्यारे विद्यार्थियों, गणानंद जी कहते हैं या गणानंद जी के अनुसार विषाद या वेदना, विषाद दुख पीड़ा, वेदना पीड़ा, तो विषाद माने दुख, तो विषाद और जो वेदना है उसका प्रतिनिधित्व करने वाला जो काव्य है वही सर्वश्रेष्ठ होता है। जिस काव्य में प्रेम के विषय में वेदना हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, विरहजन्य दुख हो, या फिर हम कह सकते हैं कि विषाद हो, वही काव्य सर्वश्रेष्ठ होता है और वो अनुभूतिजन्य हो। इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि वे रीतिकाल के छायावादी कवि माने जा सकते हैं। जैसे छायावादी स्वच्छंद काव्यधारा के कवि माने जाते हैं, ऐसे ही उस समय गणानंद जी रीतिकाल के छायावादी कवि हम कह सकते हैं। उनके मत के अनुसार हृदयगत विषाद का व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए। गणानंद जी का मत है या गणानंद जी का खुद का विचार है कि जो हृदयगत विषाद होता है, दुख होता है, वहीं उसका हृदयगत विषाद का व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए कवि को। कवि को स्वयं अनुभव होना चाहिए, हृदयगत विषाद का, दुख का अनुभव उनको होना चाहिए, तभी वो उस दुख को ठीक प्रकार से लिख सकेगा। क्योंकि जब तक उस विषाद मार्ग से कवि नहीं गुजरता, जब तक उसने उस दर्द को नहीं जिया कवि ने, तो वह कैसे लिखेगा सच्चे दुख को। तो विषाद मार्ग से नहीं गुजरता तब तक उसकी कविता उत्कृष्ट नहीं मानी जा सकती या उसमें वास्तविकता नहीं हो सकती। वो तो केवल बुद्धि का परिणाम है। किसी प्रेम की कविता हम लिख दी बुद्धि के द्वारा, कल्पना के द्वारा, लेकिन उसमें वो जो विरह जन्य जो दुख स्वयं कवि ने कोई भोगा है, वह वास्तविकता उसमें नहीं आएगी। ठीक है, जो अनुभव किया होता है वो वास्तविक होता है। तो इस प्रकार से उनके काव्य में रीतिबद्ध जो काव्य शास्त्र जो नियम है वो नहीं है, उसकी उन्होंने उल्लाना की है। और उल्लाना करते हुए, या हम कह सकते हैं उस समय जो उक्ति वैचित्र्य कवि करते थे, चमत्कार करते थे, अलंकार चमत्कार इत्यादि, इसका उन्होंने महत्व नहीं दिया। उन्होंने एकदम ओरिजिनलिटी, या हम कह सकते वास्तविक बात को रखी। जो अनुभव किया हृदय में प्रेम के बाद में क्या अनुभव होता है, उसको उन्होंने स्पष्ट रूप से शब्दों में कहा कि समुझे समुझी बातें बोली बोने आप काम आवे। देखिए, समुझे समुझे समुझी समुझी, क्षमा करना, समुझी समुझी है ये, समुझी 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 बातें बोली बो, ने काम आवे, छावे घने आनंद ने जो, आनंद ने जो लो नेह नेह बो रही है। तो इन पंक्तियों में प्यारे विद्यार्थियों कि समुझी समुझे बातें बोली बोने काम आवे, छावे घने आनंद ने जो लो नेह बो रही है, अर्थात समझ समझ करके बातें को कहना, समझ समझ करके बात को कहना, इतने बात को अगर करते हैं तो वो कार्य सिद्धदायक नहीं हो सकता। कोई बात को हम सोच सोच करके, समझ समझ करके ऐसे बात कहते हैं तो वो इतना सिद्धदायक नहीं होता कि जब तक वह नेह बो रही, यानी नेह के प्रेम के उन्माद में उसका हृदय अगर डूबा नहीं है, वो बावला नहीं हुआ है, तब तक हृदय पर उसका जो प्रेम का जो नशा है वो छाया हुआ नहीं है, तब तक वह प्रेम का वर्णन कैसे करेगा। विरह की जो वेदना की जो अनुभूति है, उससे जिसका हृदय साक्षात्कार नहीं किया है, या विरह वेदना की अनुभूति को हृदय के साक्षात्कार का विषय गणानंद जी ने बताया है कि कहा है कि समुझे कविता घने आनंद की। यहाँ इस पंक्ति में देखो,
समुझे कविता घने आनंद की ये आंखिन नेह की पीर तकी। यानी घनानंद की कविता को वही समझ सकता है जिसने अपने हृदय की आंखों से प्रेम की पीड़ा को देखा हो, वही मेरी कविता को समझ सकता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात यहाँ कहना चाहते हैं घनानंद जी कि जो हृदयगत प्रेम या हृदय की आंखों से जिसने प्रेम को जिया है, देखा है, वही सर्वश्रेष्ठ काव्य रचना रच सकता है। जो बुद्धि के बल पर, कल्पना के बल पर सोच सोच करके प्रेम के विषय में कुछ लिखे, उसका प्रेम काव्य कार्य जो सिद्धिदायक नहीं हो सकता। जब तक हृदय से उसकी अनुभूति अगर नहीं होती कवि को, उस पीड़ा की, प्रेम की पीड़ा की अनुभूति उसके हृदय को नहीं हुई है, तब तक वह सच्ची प्रेम की पीड़ा क्या होती है उसका वर्णन कैसे कर सकता है, ऐसा घनानंद जी का मानना था। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको ठीक से समझ में आ गया होगा, और शेष है वो आगे के वीडियो में हम लेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे इसी प्रश्न के आगे के भाग को। तब तक के लिए आप नोट्स बनाकर याद कीजिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद विद्यार्थियों।